जय माता दी बंधु, कैसे हैं आप सब लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब अपने जीवन में तरक्की कर रहे होंगे और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि के अगस्त 2020 के भविष्यफल के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके व्यापार, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, करियर, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, वैवाहिक जीवन के बारे में। इस वीडियो में दो बातें बहुत खास हैं। पहली बात ये कि इस वीडियो के आखिर में हमने आपको साप्ताहिक राशिफल के बारे में भी बताया है, जैसे कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और अंतिम सप्ताह में आपके साथ क्या क्या होगा। दूसरी बात ये कि वीडियो के आखिर में हमने आपको कुछ बहुत ही प्रभावशाली उपायों के बारे में बताया है, जिन्हें करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। ये वीडियो वैदिक ज्योतिष पर आधारित है, जिसे भविष्यवाणियों की सबसे सटीक ज्योतिष के रूप में जाना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि देशी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मंगल, जो आपकी राशि का स्वामी है, वो 16 अगस्त 2020 तक मीन राशि में गोचर करेगा। मंगल 16 अगस्त 2020 को मेष राशि में प्रवेश करेगा, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह महीना आपको मिश्रित परिणाम देगा। 16 अगस्त 2020 तक आपके लिए कुछ तनाव और समस्याएं रहेंगी, उसके बाद यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके पास 16 अगस्त 2020 तक कुछ तनाव रहेगा, आपके पास कुछ तनाव और दबाव होगा, नकारात्मक ऊर्जाएं आपको परेशान करेंगी, लेकिन 16 अगस्त 2020 के बाद चीजें आपके पक्ष में परिवर्तित हो जाएंगी। आप आत्मविश्वास से काम लेंगे, आपके पास ऊर्जा का स्तर अच्छा होगा। राहु अगस्त 2020 में साहस और प्रयासों के घर में तैनात रहेगा। आपके मन में कुछ अनदेखा डर रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि आपको अगस्त 2020 में रिस्क और एडवेंचर से दूरी बनाकर रखना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं अगस्त माह के आपके करियर के भविष्यफल के बारे में। शनि, जो आपके करियर का स्वामी है, वो अगस्त 2020 में मकर राशि में होगा, लेकिन शनि वक्री है, इसलिए हम आपके लिए सफलता की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन सफलता कुछ संघर्ष के बाद आएगी। सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको धैर्य के साथ काम करना होगा। इस महीने में हम उम्मीद कर सकते हैं कि सफलता आएगी, लेकिन आपके लिए बाधाएं भी लाएगी। आप भाग्य के स्वामी बृहस्पति का पक्ष लेंगे और आपका स्वामी मंगल भी 16 अगस्त 2020 के बाद आपका पक्ष लेगा, इसलिए महीने का दूसरा भाग आपके लिए करियर संबंधी मामलों में बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम आपको बताते हैं आपके अगस्त माह के बिजनेस के भविष्यफल के बारे में। इस महीने अगस्त 2020 में बुध और शुक्र की स्थिति आपके लिए उपयुक्त है, इसलिए यह महीना आपके व्यवसाय में बहुत सुधार देगा। मुख्य रूप से आपका कम्युनिकेशन आपके काम में मदद करेगा और अगस्त 2020 में नई साझेदारी संभव है। आपको बताते हैं अगस्त माह के आर्थिक स्थिति के भविष्यफल के बारे में। इस महीने आपका वित्तीय प्रबंधन अच्छा रहेगा, जिसे आप अपनी जेब के अनुसार खर्च कर पाएंगे। नियमित स्रोतों से पैसा आएगा। मैं इस महीने आपके लिए कोई अचानक लाभ नहीं देख रहा हूं। अब हम आपको बताते हैं आपके अगस्त माह के लव के बारे में। आपका प्रेम स्वामी सूर्य माह के उत्तरार्ध में अच्छी स्थिति में रहेगा, इसलिए आप 16 अगस्त 2020 के बाद अपने प्रेम जीवन में खुश रहेंगे, लेकिन 16 अगस्त 2020 प्रेम संबंधों में आपको अपने जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शुक्र विवाह का स्वामी है। शुक्र अगस्त 2020 में मिथुन राशि में होगा, यह आपके लिए अच्छा स्थान है। शुक्र पर गुरु की दृष्टि होगी, जो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपको कुछ अच्छा प्रस्ताव मिलेगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपका अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। आपको बताते हैं आपके शिक्षा के भविष्यफल के बारे में। आपके लिए उच्च शिक्षा के स्वामी बृहस्पति अगस्त 2020 में आपके लिए अनुकूल होंगे, इसलिए हम परीक्षा में सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। शिक्षा में आपकी रुचि बढ़ेगी। अब हम आपको बताते हैं अगस्त 2020 के आपके स्वास्थ्य के भविष्यफल के बारे में। आप स्वास्थ्य स्वामी बुध 17 तारीख तक कर्क राशि में गोचर करेगा और मंगल भी 12वें घर में 16 तारीख तक रहेगा, इसलिए आपको महीने के पहले भाग में स्वास्थ्य के मोर्चे पर सावधानी बरतनी होगी। इस महीने में आपको तनाव, कमजोरी, पेट की समस्या,
मौसम से संबंधित समस्याओं से संबंधित कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में आपको कुछ सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन लापरवाही ना करें। हम बताते हैं आपको आपके अगस्त माह के प्रथम सप्ताह के बारे में कि प्रथम सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। अगस्त 2020 का पहला सप्ताह मेष राशि वालों के लिए औसत सप्ताह लगता है। इस सप्ताह में आप कुछ परेशानियों का सामना करेंगे। आप अपने काम में तनाव महसूस करेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आपको व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहिए। इस सप्ताह में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लापरवाही ना करें। परिवार से आपको सहयोग मिलेगा। आपको बताते हैं आपके दूसरे सप्ताह के बारे में। अगस्त 2020 के दूसरे सप्ताह में मेष राशि के लोगों के लिए बड़ा सुधार नहीं दिख रहा है। इस सप्ताह में आप कुछ मानसिक शांति की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन पेशेवर मोर्चे पर कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। आपके निजी जीवन में चीजें मध्यम दर्जे की हैं। आपको बताते हैं आपके तीसरे सप्ताह के बारे में। अगस्त 2020 का तीसरा सप्ताह आपको सुधार देगा। मंगल और सूर्य स्थिति बदलेंगे, इसलिए इस महीने में आप अपने लिए कुछ सकारात्मक बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं। यह आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में सुधार देगा। बताते हैं आपको चौथे सप्ताह के बारे में। अगस्त 2020 का चौथा सप्ताह आपके लिए अच्छा सप्ताह रहेगा। यदि आप इस सप्ताह में नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो कुछ नया अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। अगस्त 2020 के चौथे सप्ताह में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप चौथे सप्ताह में अपने निजी जीवन में खुश रहेंगे। आप अपने प्रेम के रिश्ते का आनंद लेंगे। यदि आप एकल हैं या आप अपने निजी जीवन में बाधाओं का सामना कर रहे हैं, तो आप इस सप्ताह में सुधार देखेंगे। आपके पास ऊर्जा का स्तर अच्छा होगा। आपको बताते हैं अंतिम सप्ताह के बारे में, महीने के अंतिम दिनों के बारे में। मंगल, सूर्य, बृहस्पति और शुक्र के अनुकूल होने के कारण अगस्त 2020 का अंत मेष राशियों के लिए अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह में आप आर्थिक आजादी महसूस करेंगे। इस सप्ताह में आपकी कामकाजी स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। अगस्त 2020 के अंत में आप देखेंगे कि 2020 की तुलना में आप अच्छी स्थिति में हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ उपायों के बारे में, जिन्हें विश्वास पूर्ण करने पर निश्चित रूप से आपके जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आपको हनुमान जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। हनुमान मंदिर जाकर उनके कंधे पर लाल सिंदूर लगाएं और इस सिंदूर को अपने मस्तिष्क पर तिलक के रूप में लगाएं। इससे आपके जीवन में शत्रुओं का नाश होगा। आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी और आपके जीवन में आ रही कोई भी समस्या, यदि आप परिवार के लोगों के खिलाफ कोई आपके खिलाफ पंडित रच रहे हैं, तो वे अपने मनसूबों में कामयाब नहीं होंगे। आपको क्या करना चाहिए? लाल रंग के रुमाल को या लाल रंग के वस्त्र को आप कोई भी विशेष कार्य, यानी कि जब आप कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हो, कोई लोकार्पण कार्य करने जा रहे हो, कोई नया कार्य, नया शिलान्यास है, नए व्यवसाय को आगे बढ़ाना है और कोई भी इस तरह का आप काम करने जाते हैं, तो लाल रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें। या फिर लाल रंग के रुमाल को लेकर यदि आप जाते हैं, तो आपके जीवन में वो कार्य बिना बाधा के पूर्ण होता है और आपको अच्छी सफलता उस कार्य में देखने को मिलती है। धूलर और आंवले के वृक्ष को अपने घर के दक्षिण स्थान में लगाएं, रोज उन्हें सींचे, ताकि आपके जीवन में जैसे जैसे वो वृक्ष बढ़ेंगे, आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता आएगी, आपके पैसे की समस्या दूर होकर मजबूत होगी। आपको परत के राम दरबार को अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए। रोज राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। इससे आपके जीवन में आ रही हर समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन में संपन्नता की स्थिति बढ़ेगी और धन लाभ आपको प्राप्त होगा। ये कुछ उपाय हैं जो हमने आपको बताए, जो कि आपको यानी कि मेष राशि वालों को जरूर करना चाहिए। तो बंधुओं, यही तक था हमारा और आपका साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय माता दी।